is this? Is it a quail? No. Is it a black swan? Mm-hmm. Or is it a black crow? Let us find out in my new video coming soon. जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो उससे हमारी ड्राइंग की नॉलेज भी इंक्रीज होती है और हमें पेंसिल के कुछ नए फैक्ट्स भी जानने को मिलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज वर्णिका। तो आज हम देखेंगे कि पेंसिल कैसे बनती है। सो गाइस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो गाइस, आपको तो पता चल गया होगा कि ग्रेफाइट पेंसिल ग्रेफाइट से बनती है। तो ग्रेफाइट पेंसिल में बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं, तो उन ब्रांड्स में कुछ हैं आर्टलाइन, अप्सरा, कैमलिन, फेबर कैस्टिल और ब्लैक मार्ट। तो गाइस, मेरा ब्लैक मार्ट से ये मतलब था कि फेबर कैस्टिल की दो टाइप्स आते हैं। सो गाइस, एक होती है फेबर कैस्टिल की 9000 भी होती है जो 350 की, जो 350 में मिल जाती है 6 पेंसिल्स, और वो फेबर कैस्टिल ब्लैक मार्क से बहुत प्रीमियम होती है। सो गाइस, पेंसिल खाली ग्रेफाइट से तो बनती नहीं है, पेंसिल में ग्रेफाइट को क्ले के साथ मिक्स भी किया जाता है। तो जो पेंसिल की लेड होती है उसको ग्रेफाइट और क्ले से मिक्स करके उसकी लेड बनाई जाती है। जो लोअर ग्रेड की होती है उसमें क्लेट की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है। सो गाइस, इसमें मेनली है कि जो HB के नीचे वाली पेंसिल्स होती हैं उनमें क्ले ज्यादा होता है, और जो हायर ग्रेड की होती है पेंसिल उनमें ग्रेफाइट थोड़ा ज्यादा ज्यादा बढ़ता रहता है। तो जैसे गाइस, मार्केट में 10B, 8B और 12B आती है, उसमें ग्रेफाइट की मात्रा ज्यादा होती है और क्ले की कम होती है। तो गाइस, ऐसी बनती है एक नॉर्मल ग्रेफाइट पेंसिल। सो गाइस, उसके बाद उसमें बहुत ज्यादा प्रोसेस होता है, जैसे उसका वुडन मोल्ड बनाना। सो गाइस, जो वुडन मोल्ड होते हैं और पैकेजिंग तो बांध का काम है, पहले लीड पे होता है और क्वालिटी भी लीड और वुड की ही होती है। सो गाइस, जो पेंसिल्स होती हैं उनमें मेनली लीड और वुड का ही काम होता है, टेस्ट भी वुड और लीड के ऊपर ही होते हैं। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो और ये आपके लिए हेल्पफुल भी होगा। सो गाइस, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल। डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट ऑल्सो। थैंक फॉर वॉचिंग।